योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्य के सभी किसानों को कर्ज माफी का बड़ा फायदा देने के लिए 90,000 करोड़ की कर्ज माफी राज्य के 86 लाख से अधिक किसानों को देने का वादा किया है। इस बजट 2022 में राज्य के तमाम किसानों को पिछली बार 9 जुलाई 2017 में जिस प्रकार राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान 1 लाख रुपये तक की कर्जा माफी प्रदेश के सभी किसानों को देने का वादा किया था, उसी प्रकार राज्य सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्येक किसान को 90,000 करोड़ की कर्जा माफी के हिसाब से 2 लाख की कर्जा माफी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी की पहली लिस्ट में अंतर्गत राज्य सरकार ने 33,408 किसानों को पहली लिस्ट सूची में नाम जारी कर दिया है। इन सभी किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार 30 जून तक पहली किस्त की 2 लाख रुपये तक की कर्जा माफी भेजने वाली है। बाकी बचे हुए किसानों को दूसरी लिस्ट सूची में नाम आएगा, उसके लिए राज्य सरकार अगले 15 जून तक राज्य सरकार दूसरी लिस्ट सूची को जारी करने वाली है और 30 जुलाई तक प्रदेश के तमाम किसानों को 2 लाख की कर्जा माफी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी, प्रदेश के सभी किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा और जिन किसानों के पास 2 एकड़ से 5 एकड़ की कृषि भूमि है और सभी किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है और वे किसान अभी डिफॉल्टर की अवधि में डिफॉल्टर और अवधि पार किसानों की श्रेणी में आते हैं, उन सभी किसानों को 2 लाख तक की कर्जा माफी दी जाएगी। लेकिन इसके चलते राज्य सरकार ने अभी नई गतिविधियों से कार्य करते हुए देरी की जा रही है। किसानों को बड़ा फायदा जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन अभी नए सिरे से सरकार कार्य कर रही है जिसके कारण किसानों को कर्ज माफी का बड़ा फायदा लेट तक दिया जाएगा। तो जिस प्रकार राज्य सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया है, उसका तोहफा राज्य सरकार तभी सभी किसानों को दिया जाने है। इसके अंतर्गत राज्य के लगभग 75 जिलों के सभी किसानों को 87 लाख किसानों की आंकड़ों के अनुसार 90,000 करोड़ की कर्जा माफी राज्य के तमाम किसानों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के साथ साथ बिजली माफ करने की और किसानों को नए आधुनिक कृषि यंत्र उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कृषि पर ज्यादा महत्व देने के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट पेश किया है। आने वाली 2023 तक देश के तमाम किसानों की आय को दुगुना किया जाएगा और नए आधुनिक तरीके के जो जितने भी कृषि उपकरण है, उन सभी कृषि उपकरणों पर सरकार बहुत ज़्यादा प्रतिशत में सब्सिडी प्रदान करने वाली है। साथ में सरकार शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन टैबलेट योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक स्टूडेंट परिवारों को लैपटॉप बांटे जाएंगे ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा का महत्व जान सकें और आने वाले भविष्य में डिजिटल इंडिया के सपने को भी पूरा कर सकें। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा का महत्व ऑनलाइन हो जाएगा, जिसके चलते युवा साथी घर बैठे भी इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकेंगे और आने वाली कंपिटिशन तैयारी करके अपने रोजगार को प्राप्ति कर सकेंगे। और रही बात कर्ज माफी की, तो कर्ज माफी का फायदा आपको 30 जुलाई से पहले सभी किसानों को दिया जाएगा। लेकिन कुछ किसान भाई, आप गलत फहमी में फंसे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान किसानों को कर्ज माफी का बड़ा फायदा नहीं देगी। यह सब बिल्कुल न्यूज झूठी है। इस यूट्यूब चैनलों पर यह सभी न्यूज बिल्कुल फेक है। इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं, चंद व्यू की खातिर इस प्रकार के यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों को कर्ज माफी का बड़ा फायदा देगी। लेकिन 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, उसी प्रकार उस समय किसानों को कर्ज माफी का बड़ा फायदा इसलिए दिया गया था क्योंकि